आज भी आप जगन्नाथ जी जाइए, 56 भोग लगते हैं, तमाम व्यंजन बनते हैं, लेकिन सबसे पहले आज भी कर्मा बाई की खिचड़ी का भोग लगता है। पहले खिचड़ी बनती है कर्मा बाई के नाम से, वो खिचड़ी भोग धराई जाती है, तब बाकी भोग लगते हैं। जगन्नाथ जी में विराजती थी कर्मा बाई, धीरे धीरे अवस्था खूब हो गई थी। तो एक समय की बात है राजपूत जी, कि कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई, ठाकुर जी गोद में बैठ के पाते थे, तो एक महात्मा आए और उन्होंने देखा कि ये बगैर नहाए धोए सवेरे से उठ के खिचड़ी बनाने में लग जाती है। अब वो क्या जाने कि भगवान साक्षात आकर के इससे खिचड़ी पाते हैं। महात्मा ने कहा ऐसे नहीं बनाया करो, पहले नहाया करो, सब सफाई किया करो, तब बनाया करो। उसने कहा, महात्मा ने कहा तो ठीक है, बड़ी देर हो गई, घर को सफाई किए, फिर स्नान ध्यान किए, फिर तैयारी किए, ठाकुर जी बार बार कहते हैं कितनी देर लगेगी, हमेशा तो मैं आता था तो खिचड़ी तैयार रहती थी, आज तो कहती हो बैठो बैठो। तो ठाकुर जी बोलते हैं जल्दी कर्मा, कर्मा नाम इसलिए पड़ गया, ठाकुर जी बार बार बोलते थे जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, और नाम ही पड़ गया कर्मा। और ठाकुर जी खिचड़ी पा रहे थे, देर हो गई थी, आज जगन्नाथ जी में भोग का समय हो गया, पुजारी जी ने भोग रख के घंटी बजाई, और जो घंटी बजाई तो खाते हुए खिचड़ी ऐसे ही भागे, तो मुख में खिचड़ी लगी, हाथ में खिचड़ी लगी। अब वहां पुजारी जी ने देखा कि आज ठाकुर जी के मुख में खिचड़ी, हाथ में खिचड़ी कहां से आ गई, खिचड़ी तो बनी नहीं थी मठ में, स्थान में नहीं थी। अरे बोले ये खिचड़ी कहां से आई सरकार। पुजारी जी भी बड़े सिद्ध महापुरुष थे, साक्षात बात होती थी, जय जय सरकार, बड़े चटोरे हैं, खिचड़ी कहां पाए। ठाकुर जी बोले आप चाहे जितने भोग बना के खिला दें, पर जब तक मैं कर्मा बाई की खिचड़ी नहीं खाता मुझे तृप्ति नहीं मिलती है, मेरा मन नहीं अघाता है। फिर तो उसी समय से नियम बन गया कि प्रतिदिन कर्मा बाई की खिचड़ी भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगेगी। कहने का अर्थ यह है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव बस इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। तो सब भाव का खेल है।